नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट करंट इशू। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंदौर नगर निगम के भाग्य को क्या हो गया है, आखिरकार क्यों नगर निगम में बिगड़ रहा है तालमेल। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद हैं मेयर इन काउंसिल के मेंबर, जी हाँ, राजेश उदावा जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विश्लेषक की भूमिका निभा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश ज्वेल जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विपक्ष की मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से मौजूद है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजेश ज्वेल जी, आप बहुत बारीकी से नजर बनाए रखते हैं शासन प्रशासन और खास करके इंदौर की तासीर को समझते हैं, इंदौर की नब्ज टटोलना आप जानते हैं। क्या लगता है, क्या हो क्या गया है पिछला एक साल अगर देखा जाए, या यूं कहा जाए कि चुनाव के बाद से लगा करके अब तक का समय, सब कुछ ठीक है या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है? नगर निगम की बात कर रहे हैं ना, नगर निगम की यहाँ तक बात है। देखिए, पिछले दो साल से तो निगम में चुनावी परिषद थी नहीं, कोविड काल चल रहा था, अधिकारियों का रास्ता एक तरह से पूरे उस पर नगर निगम पे। अब उसके बाद जो है चुने हुए महापौर के साथ 85 वार्डों के पार्षद चुन के आए, दो ढाई साल से सब खाली बैठे हुए थे, सबको काम भी करना था। दूसरा, काम के साथ साथ में जो है नगर निगम में दूसरी जो चीज़ें हैं वो सबको पता है कि वहाँ के ठेकेदार हैं, वहाँ से जो कमाई होती है, जो बिल्डिंगें बनती है, जो नक्शे पास होते हैं, इससे लेके तमाम सारे हित जो जुड़े हुए हैं, नेता नगरी जो इंदौर की है उसका काफ़ी कुछ वास्ता नगर निगम से पड़ता है। सारे नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता का सबका काम निगम से रहता है, तो निगम के बिना एक जहाँ आम आदमी का काम नहीं होता है, वहाँ इंदौर के नेताओं का भी काम नगर निगम के बिना नहीं होता है। लेकिन बीते कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि जो महापौर उनकी जो टीम है वो तालमेल नहीं बिठा पा रही आपस में, अधिकारियों के साथ उनका तालमेल नहीं है। वो तो साफ जाहिर है, तमाम मीडिया से लेके सब जगह खबरें आती है, ऊपर शासन प्रशासन से तालमेल नहीं है, महापौर की जो है शायद मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, उनके समय लेना पड़ता है, वो जो चाहते हैं उस ढंग से अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो जिस ढंग से नगर निगम अभी चल रहा है उसमें तालमेल का नितांत अभाव है। उदावत जी यहीं बैठे हुए हैं, शायद कोई परिषद की बैठक ऐसी होती होगी जिसमें अधिकारियों के साथ खींचतान या महापौर परिषद के सदस्यों के बीच आपसी संवाद जो रहता है वो भी उसमें गुटबाजी हो गई है, मतलब जो परिषद बनी है निगम महापौर परिषद की, हो रहा है अभियान। ठीक है चिंटू जोशी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक पॉजिटिविटी थी कि ठीक है एक पढ़ा लिखा सक्षम शिक्षित महापौर इंदौर शहर को मिला, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा शहर है और हमारे देश की शान भी है। लंबे समय से शहर के लोगों की पॉजिटिविटी और समर्पण के कारण इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर वन आता रहा। उसमें हमेशा से तालमेल रहा कि महापौर, कमिश्नर, अधिकारी, पार्षद सब लोग आपस में मिलकर एक परिवार के रूप में काम करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पहली परिषद की बैठक 8 अगस्त 2022 को हुई और पहली परिषद की बैठक में तय हुआ था कि पक्ष न विपक्ष सब साथ में मिलकर काम करेंगे, आदरणीय महापौर जी ने कहा, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उनकी भावनाएं भी बहुत अच्छी थी और मुझे आशा थी और आशा है कि आने वाले समय में इंदौर शहर में हम सब लोग मिलकर विकास को नई गति देंगे। लेकिन अगर बात हम वर्तमान की करें या पिछले 4-6 महीने के रिजल्ट्स की बात करें तो निश्चित रूप से पूरी परिषद ने, अधिकारियों ने इंदौर शहर की जनता को निराश किया है। अगर हम पिछले 2-4 हफ्तों की बात करें कि जिस तरीके से MIC की बैठक में वाद विवाद उत्पन्न हो रहे, जिस तरीके से कमिश्नर महापौर जी की मीटिंग्स में नहीं आ रही या महापौर जी के राउंड्स में कमिश्नर की गैर मौजूदगी, ये कहीं ना कहीं ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट अपनी जगह है, लेकिन हमारे शहर का जो विकास है वो निश्चित रूप से अवरुद्ध होगा। सबको जिस तरह से आशा थी कि इंदौर शहर में एक नए निर्माण की शुरुआत होगी, एक अच्छा युग आएगा जिसमें हम पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, जिसमें हमको बेसिकली काम आपको महसूस नहीं हो रहा है, सबके मित्र कहे जाने वाले आप ही के मित्र नहीं बन पा रहे, मतलब लगातार सुबुगाहटें उड़ रही हैं। जो पिछले दिनों मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई उसमें भी राजेंद्र राव जी देखा गया कि
सभी को बैठा दिया जाता है नंदू पहाड़िया जी केबिन में, सीखा बड़ा के कि ठीक है सबको एक होकर के मिलजुल करके शहर हित की बात करनी है, अपने अपने विभागों की बात करनी है, पर होता ठीक विपरीत है। जैसे ही बैठक शुरू होती है सभी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, एक मैडम है जिनकी शिकायत होती है, गुड्डू भैया अपना दर्द जाहिर करते हैं कि मैडम को लेटर लिखता हूँ, लेकिन मैडम सुनती नहीं है और मैडम उस पर हंसती है, जो भी अधिकारी है वो हंसते हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था इंदौर नगर निगम के प्रांगण में, ऐसा क्या खास है? सबके मित्र बन गए और अगर अपनों में ही मित्रता नहीं है, ऐसे खंड खंड अगर विभाजित होते रहेंगे तो कैसे होगा शहर का सर्वांगीण? ऐसा है कि पिछले 7-8 महीनों के अंतर्गत इंदौर शहर की जो सबसे बड़ी संस्था है उस संस्था का कार्यभार संभालने के बाद कहीं भी हम जाते हैं कोई कार्यभार संभालते हैं नई चीज़ों को समझने में समय लगता है। 3 से 4 महीने का जो समय है वो सब चीज़ों को समझने में, विभागों को समझने में लगा, लेकिन माननीय महापौर जी ने उसके बाद जितनी तीव्र गति से निर्णय लिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े और शहर के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कोई भी नया दायित्व संभालते हैं तो उसमें समय लगता है चीज़ों को समझने में, और जिस प्रकार से महापौर जी ने उन सब कामों को समझा और उसको आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि इतने कम समय में इतनी तेजी के साथ त्वरित निर्णय लेने वाले महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के साथ सभी विभागों के मैसिक सदस्य अपने अपने विभागों में बहुत तेजी के साथ जनहित के निर्णय लेके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने का समय राजेश ज्वेलरी लगता है सीखने में, इनका सा कहना है 3-4 महीने लग जाता है मेयर को और एमआईसी मेंबर्स को काम का सीखने पार्षद में। वो बात हो रही है कि एमआईसी बनने की दौड़ बहुत जल्दी लग जाती है, भले काम सीखने में 3-4 महीने का समय लगता होगा परंतु मुझे एमआईसी बनना है, हालांकि इसकी दौड़ बहुत मजबूत थी, वो एक अलग विषय है। ऐसा भी कहा जा सकता है राजेश ज्वेल जी की 3-4 महीने वेट एंड वॉच पे रखा गया कि हो सकता है हमारे मनपसंद का अधिकारी आ जाए, मैडम के साथ अच्छे से सामंजस्य बनेगा नहीं। देखिए अधिकारी नहीं सुनते हैं ये एक सामान्य राजनेताओं का एक जुमला है, वो सब जगह आप सुनने को मिलता है आपको, चाहे वो नगर निगम की बात करो आप या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करो या पूरी सरकार की बात करो। मुख्यमंत्री के पास जब विधायक जाते हैं तो वो भी ये शिकायत करता है अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, हमारी कलेक्टर नहीं सुनते हैं, हमारी चीफ सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं, हमारी प्रमुख सचिव नहीं सुनते हैं, या नगर निगम की बात करो तो वो निगम कमीशन नहीं सुनती है। ये एक तकिया कलाम और एक जुमला टाइप की बातें हैं। ये मेरा तो हमेशा ये सवाल रहा है कि अधिकारी आखिर सुनते क्या नहीं है, कौन सी बात ऐसी चाहते हैं नेता कराना कि जो अधिकारी नहीं सुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारी कोई ईमानदार है या जो हरिचंद है, अधिकारी भी भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी भी सारे गलत कामों में लिप्त रहते हैं, और अच्छे अधिकारी भी हैं, ईमानदार भी हैं तो भ्रष्ट भी हैं, नेता भी ईमानदार है तो अच्छे नेता भी हैं, दोनों तरह के नेता हैं। तो सवाल ये है कि आपको काम कैसे कराना है, आपको काम कराना आना चाहिए। आप ये देखोगे कि विकास के काम कोई नहीं रोकता है, आज सड़क बनानी है, ड्रेनेज बनानी है या दूसरे कोई विकास के काम है, उसको कोई न अधिकारी रोकता है और न आपका नेता रोकता है, केवल अपनी मनचाही पोस्टिंग कराना है कि भाई मेरा अधिकारी है उसको फलाना डिपार्टमेंट मिल जाए। कोई नगर निगम में क्या है, कुछ डिपार्टमेंट बड़े अच्छे कमाऊ डिपार्टमेंट माने जाते हैं जहाँ अच्छी मलाई मिलती है, तो बिल्डिंग परमिशन का डिपार्टमेंट है जैसे, या आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट है, तो वो अधिकारियों को चाहते हैं कि उसमें नियुक्त कराना अपने लोगों को कि वो उस पर डालते हैं दबाव अधिकारियों पे और उस पर कि आइए वहाँ पे मनचाही पोस्टिंग कर दो, प्लस जो मास्टर कर्मी या जो नीचे के लोग हैं जो उनको वहाँ पे चाहते हैं अपने आदमियों को ला के लेके आना, झगड़ा मूल रूप से ये होता है। सही बात है कि बीते दिनों जब AICTSI के ऑफिस में भी बैठक हुई थी तब भी बहुत से नेता आपके उग्र होकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि फलाने अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी फाइलें, अच्छा ऐसी कौन सी फाइलें जो आगे नहीं बढ़ पा रही है जिसको रोक दिया गया है? देखिए ऐसा है कि काम करना और कराना ये कला है, मतलब आप कह रहे हैं कि महापौर जी के पास वो कला नहीं है। नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनिए, आपकी बात सुनिए, जिसमें बात जहाँ तक अधिकारियों के फ़ोन उठाने की नहीं, फ़ोन उठाने की है, काम नहीं करने की, महापौर जी का विशेष नहीं, महापौर जी सबके फ़ोन उठाते हैं, सबके काम भी करते हैं, हम बात करें अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठाने की और काम नहीं करने। और कुछ जनप्रतिनिधि जिन्होंने शिकायतें भी की कि फोन नहीं उठाते, जैसा कि राजीव बता रहे थे कि
काम किसी के नहीं करते। ड्रेनेज की फाइल हो, सड़क बनाने की फाइल हो, या विकास के कार्यों की कोई भी बात सकारात्मक काम यदि आप किसी भी अधिकारी के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास, एम आई सी मेम्बर के पास या महापौर के पास जाएंगे, कभी कोई रुकावट उस काम में नहीं आती। परिषद कोई रही हो, निगम आयुक्त कोई रहा हो, महापौर कोई रहा, विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन कई बार हमको परिस्थितियों को समझना होता है। मान लीजिए मार्च का अंतिम महीना है, वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, कोई काम है उसको नए वित्तीय वर्ष में ले जाके करने की बात है, बजट भी देखना है कि हमारे पास देनदारी कितनी है, हमको आने वाले समय में ठेकेदारों को पेमेंट करना है, तनख्वाह बांटनी है और दूसरे काम करना है। इन सब कामों के बीच में तालमेल करते हुए अधिकारी अपना करते का अपना काम करते हैं। जो बात आपने कहा कि महापौर परिषद के सदस्यों में तालमेल नहीं है या इसी कहीं भी कोई बात, हर व्यक्ति को सदन में उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात करने का अधिकार है। आप भी राजेश जुएल जी की बात से सहमत है कि आप जेन्युइन बात करेंगे और आप नैतिकता भरी बातें करेंगे, शहर विकास की बात करेंगे, शहर के हित की बात करेंगे, तो कोई नहीं कर पाएगा। और अगर पट्टावाद चलाएंगे और अपने लोगों को ठेके दिलाने की बात करेंगे और अपने लोगों को आगे प्रमोट करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य बिगड़ जाता है। ठेका टेंडर लेने का काम जो नियम कायदे कानून की प्रक्रिया से होता है, आप कुछ भी कर लो, आप लाख कोशिश कर लो कि मैं चिंटू भाई हमारे लोगों को काम देना चाहें तो संभव ही नहीं। आज की तारीख में कौन सा ठेकेदार ऑनलाइन ट्रैक्टर कहाँ से ला देता है ये हमको मालूम नहीं होता है। तो इसमें कोई भी जिस प्रकार से सरकार ने पारदर्शिता लेके आई है प्रक्रिया में, उसमें कहीं भी इस प्रकार की गुंजाइश ही नहीं कि मैं मेरे चाहते ठेकेदार को काम दिला दूँ। चिंटू चौकसी जी, इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जैसे इनके पास भी काम लेकर के जाते हैं और बिल्कुल सही बात है कि सबसे सहज और सरल व्यक्तित्व माने जाते हैं राजेश उदाव जी। आपके पास भी तो सारे कांग्रेसी आते होंगे, हारे जीते पार्षद, हार गए वो भी आप ही के हैं। हर आदमी का अपना काम कराने का तरीका है। हम तो जैसे मैं तीसरी बार का पार्षद हूँ, 13-14 ईयर मेरा काम करते करते 2-3 साल पिछले निकल गए, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आज तक विपक्ष में रहते हुए भी मेरा काम रोकने की ना तो कभी किसी ने हिम्मत करी, ना मुझे लगता है कि भविष्य में इस प्रकार का काम होगा। आप बोल रहे हैं महापौर बहुत निष्क्रिय रहे, अब तक के सबसे निष्क्रिय महापौर हैं 8 महीने, आप भी तो उग्र नहीं हो पाए ना, इतना सारा काम उन्होंने बोला कि 3 महीने के भीतर करके दिखाएंगे, अगर 3 महीने के भीतर नहीं होता है तो आप चाहे जो हमसे कर सकते हैं। एक बार भी चिंटू चौकसी जी आपने ना नगर निगम का घेराव किया, ना आपने मित्र महापौर से ये पूछने की कोशिश की कि भैया काम तो हो नहीं रहे हैं, तो एक बार भी आपने खुद ने भी देखिए दीदी, शुरुआती दौर में आपको ध्यान नहीं है, जब मेरे को बने 2 महीने हुए थे, उसके बाद एक प्रदर्शन, हाँ एक प्रदर्शन, उसके बाद नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब जब आवश्यकता पड़ी कि हम चाहे वो अपना बंगाली आवाज क्यों बुलंद करें बताओ, खुद ने बोला ना कि हमारे सारे काम होते हैं, हमारे भी काम रुकता नहीं है। देखिए जनप्रतिनिधि की, देखिए जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है कि अपने वार्ड में जाके राजभिया क्यों रुकेंगे समझना, मेरी बात समझ, मैं विपक्ष का नेता तो अभी सुनिए बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं विपक्ष का नेता तो अभी बना हूँ, लेकिन पिछले 2 बार से मैं पार्षद ही था, और जब MIC के मेंबर, 2-3 MIC के मेंबर लगे रहते थे कि मेरे वार्ड के काम कैसे रोके जाए, लेकिन संबंधित ज्वलंत अधिकारी, संबंधित इंजीनियर, हम रोज लड़ेंगे ताकत से अपने काम के लिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है दीदी कि आप सेटिंग करके काम कराओ, असंवेदनशीलता है कि बावली कांड हो जाता है, 36 लोग मर जाते हैं और विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की जगह आप अपने लोगों के काम करवाने पर केवल फोकस करते हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके काम हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके वार्ड में जितने भी कांग्रेस के पार्षद जीते सभी की सड़क बन जा रही है, ड्रेनेज बन जा रही है, जितने भी डेवलपमेंट के काम है सारे हो जा रहे हैं, परंतु विपक्ष का काम केवल यही थोड़ी होता है कि हमारे काम हो जाए। क्यों राजेश जी, कहीं से कहीं तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस बात को, चिंटू चौकसी जी बोलते हैं सारे काम हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं
कि आपके समय अन्य जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं सभी के काम होने चाहिए, परंतु शहर हित में भी थोड़ा सा सोचिए। राजेश जी कैसे देखते हैं? नहीं, आपका इशारा अगर 36 मौतों वाले उस प्रकरण पर है तो उसमें अवश्य दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, और शहर की राजनीति और शहर के अधिकारी और शहर का मीडिया इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी है आश्चर्यजनक रूप से। 36 लोग मर गए, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, और आज की तारीख तक जो असल जिम्मेदार लोग हैं उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। केवल दो निगम के BO को और BI को जो है वो निलंबित कर दिया गया, वो भी जो उनको बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि आप ही बताइए कि अगर नोटिस देने के बाद जो ट्रस्ट का जवाब सामने आया उस जवाब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि अभी हम इसका निर्माण नहीं रोकेंगे और धार्मिक भावनाओं को, हिंदू भावनाओं को भड़काने का तमाम बसर चीज लिखी हुई है उसके अंदर। अब किसी BO की क्या मजा ले कि जाके वो मंदिर तोड़ दे या बावरी को हटा दे, कब्जा हटा दे। आज हटाने के बाद भी उसमें विरोध हो रहा है कि साहब तोड़ने के बाद अधिकारियों की कार्रवाई करो, यानी आप कार्रवाई करो तो भी हटाओ और हटा दिया तो भी हटाओ। तो आप ये बताओ कि चाहते क्या हो आप, कार्रवाई सही करी या कार्रवाई गलत की? सवाल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी जिसका सीधा सीधा वास्ता नगर निगम से है उसके जिम्मेदार चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों, ट्रस्टी हों, उसके किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन कोई कार्रवाई नजर ही नहीं आती। बहुत मजेदार किस्सा है राजेश उदास जी की, जब इंदौर नंबर वन आता, जब पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, तो क्रेडिट लेने की होड़ थी कि केवल कमिश्नर ही नहीं, नेता भी पूरी सबने, पूरी फौज ने बहुत अच्छी मेहनत की जब क्रेडिट लेने की बारी आई। पर जब 36 मौतों का सिलसिला जारी हुआ, जब एक के बाद एक घरोंदे उजड़ते चले गए, तब कोई एक ये बोलने को तैयार नहीं था कि हाँ मेरी भी आत्मा मुझे झकझोर रही है कि ये जो मौतें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हम सब के लिए एक इंदौर के इतिहास में वो दिन है जो हम किसी कभी भुला नहीं पाएंगे। जवाबदारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की कभी नहीं होती, सामूहिक सार्वजनिक रूप से जब भी कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी निश्चित रूप से सबकी रहती है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जो घटना घटी उसका अंदेशा किसी को नहीं था, और बनाने वालों की भी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस प्रकार की घटना वहाँ हो जाएगी। रोकने वालों के जो भवन अधिकारी हैं या बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उन्होंने निश्चित रूप से अपना काम नोटिस देने की जो जवाबदारी उनकी थी उसको रोकने की जवाबदारी उसको उन्होंने किया होगा निश्चित रूप से। बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं, जो अखबार पढ़ा, जो मैंने विभाग से जानकारी निकाली, अब उस जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम आज उस परिवार के साथ, जिन परिवारों के लोग चले गए हैं उनके साथ हम भी हैं, हमारी पार्टी भी खड़ी है। लेकिन भविष्य में इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो इसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेना होगी। चिंटू चौकसे जी, कमिश्नर मैडम बीते दिनों जो डिसीजन लेकर के गई थी उसको खारिज कर दिया गया परसों जो बैठक हुई MIC, क्या लगता है सही निर्णय है? देखिए, वो निश्चित रूप से निर्णय तो कमिश्नर मैडम गलती करके गए भाई। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, पैसे का विषय नहीं है कि वो 3 लाख का भ्रष्टाचार हुआ कि 4 लाख का भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। मैंने उसकी शिकायत करी थी और मेरी शिकायत के ऊपर मैडम ने बर्खास्त उनको सस्पेंड करा। कम से कम जब तक इस मामले का निराकरण नहीं हो जाता, जब तक ये लोग सस्पेंड रहते तो नगर निगम में एक नई परिपाटी चालू होती है कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे, गलत करेंगे तो हमारी नौकरी पे भी आएगी, हमारे जीवन पे भी आएगी। जिस तरीके का वो निर्णय हुआ वो निश्चित रूप से कमिश्नर मैडम ने अच्छा काम करा पूरे टाइम, लेकिन जाते जाते क्यों अपने अधिकारी को उपकृत कर दिया आई डोंट नो, वो पूर्ण रूप से गलत था। राजेश जी, क्या लगता है इतने अधिकार मेयर के पास होते हैं कि वो कमिश्नर के लिए हुए निर्णय को सिरे से खारिज करके और नए निर्णय लें? देखो, इसमें इस पूरे मामले में दो चीज़ें हैं। अधिकारी में तो आपने कार्रवाई कर दी, उसकी बहाली पे भी आप सवाल उठा रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ भूल गए कि वो मौके पे जो बिना टेंडर के काम कराया किसने, वो काम कराया क्षेत्रीय पार्षद ने। उस पार्षद के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं। उसको पार्षद को छोड़ दिया आपने, और उसका उद्घाटन महापौर जी ने करा, स्वयं नहीं किया।
तो जिसका महापौर जी उद्घाटन कर रहे हैं तो वो काम अवैध कैसे हो गया? महापौर जी उद्घाटन कर रहा, फोटो उसके मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे भी यार। अरे 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 उस पर महापौर जी ने उसका उद्घाटन करा, ये आपको जानकारी। अरे उदावत जी मैं आपको जानकारी दे दूँ, महापौर जी ने उद्घाटन किया उसका। तो एक तरफ तो महापौर जी उस चीज़ को गलत बता रहे हैं और जाके उद्घाटन भी कर रहे हैं उसका, तो वो काम वो कैसे हो गया अवैध, नंबर एक। दूसरा, जो इन्होंने अभी परसों MIC में वो लिया निर्णय कि साहब जो है उनके आदेश को पलटने का, वो टोटली कागज़ जो टोटल बोगस वाला आदेश है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आएगा आपको, आप देख लेना, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है। ये संकल्प पारित करके भेजेंगे कमिश्नर के पास, कमिश्नर उसको इनकार कर देगी, क्योंकि कोई भी कमिश्नर पुराने कमिश्नर के ऑर्डर को पलटता नहीं है। तो इस प्रकार की बोगस केवल पब्लिसिटी के लिए मीडिया के अंदर कि साहब हमने ये पलट दिया, हमने ये कर दिया, उसकी बजाय इनको ये करना था कि 36 मौतों की जिम्मेदारी लेना थी सामूहिक रूप से कि इसके अंदर हम भी दोषी हैं, हमने फ़ोन लगाया, हमने दबाव बनाया नेताओं ने, चाहे वो पार्षद हो कोई भी हो समथिंग, उसको लेना थी। नंबर दो, इस प्रकार की जो बिना टेंडर के काम हुए हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार नेता हैं आपके पार्षद हैं। अजय ज्वेल जी, कैसे देखते हैं केवल सफाई के इर्द गिर्द घूमती है इंदौर नगर निगम? पिछले कुछ समय से सफाई के मामले में भी शहर में स्थितियाँ बड़ी ख़राब हुई है, ये बात तो उदावत जी भी स्वीकार करेंगे और मिखाल से चिंटू चौकसी भी स्वीकार करेंगे। अभी सर्वे सिर पर है, परिवर्तन नगर निगम में हो गया, एक नई कमिश्नर आई है, उनको समझने में टाइम लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सफाई का जो सबसे बड़ा एक टास्क नगर निगम के पास रहता है, और मुझे डाउट है इस बार ये अब सातवां आसमान जो छुएगा, जो ऐसा इनका नारा है इनकी परिषद का, क्योंकि पहली परिषद है जिसको ये अवार्ड लेना है। इसके पहले साफी जो बनवाए इन्होंने वो तो पुराने काम पर बनवाए हैं, जैसे अभी आप देखा प्रवासी सम्मेलन के अंदर तमाम गुमटी ठेले सब हट गए। अभी आप देखोगे कि पूरे शहर में इसकी बाढ़ आ गई है, पूरे शहर में बाढ़ आ गई, क्योंकि हमारे नेता गुमटी ठेले के ऊपर सोच ही नहीं पाते। आज भी उनकी सोच जो है ना वो स्मार्ट सिटी और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी, लेकिन उनको पत्थरों को अपने ठेले लगवाना, गुमटी लगवाना है, उसके ऊपर उनकी सोच ही नहीं है, वो जाकर आपके नक्शे पास कराना है बस। उसके अलावा हम इसी स्टूडियो में बैठे थे और चिंटू चौकसी जी आप भी उस डिबेट का हिस्सा थे जब बबलू शर्मा जी जलकारी समिति के, और मैंने बोला भी था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। राजेंद्र उदावत जी तत्परता से इस बात को उठाया था कि ठीक है अभी शहर को सुंदर दिखाने के लिए आप घूमटे उमटे हटा दीजिए, परंतु इस सम्मेलन के बाद पट्टावाद के चलते आपको घूमटियां फिर से नजर आएंगी, तो फिर लाखों रुपए खर्चा करके और सुंदर बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता, खर्चा ही क्यों करना जब वापस से घूमटियां लगानी है। उस समय भी कहा था जी जी, ऐसा है कि जब व्यक्ति को अधिकार है कि सुंदर दिखे, सुंदर दिखने के लिए हम लिपस्टिक पाउडर मेकअप सब करते हैं, तो जब हमारे शहर में G20 को लेकर कार्यक्रम हो रहा हो, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर कार्यक्रम हो रहा हो, तो हम एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज पूरे देश में पूरे विश्व में देना चाहते हैं। जब हमारे घर में उसको ठीक नहीं करेंगे क्या? हमारे घर में हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम हमारे घर को भी ठीक ठाक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। दैनिक जीवन में कोई इधर सामान पड़ा है, कोई इधर पड़ा, उसकी व्यवस्थित करते हैं। तो इसी प्रकार इंदौर शहर को जो जवाबदारी मिली, दो बड़ी जवाबदारियाँ मिली जिसपे हमको सभी इंदौरियों को गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े दो कार्यक्रम हमारे शहर में हुए और दोनों सफलतापूर्वक हुए। ये बात आपका जो कहना है कि जो हमने किया वो लगातार बना रहना चाहिए, आगे भी बनी रहेगी। इसमें जो शंका कुशंका जिनको भी होगी उसको मैं आज उसका निराकरण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाला वक्त जब हम सातवां पुरस्कार लेने जाएंगे तो वो वक्त उसका जवाब देगा। चलिए ठीक है, विषय केवल सफाई का ही नहीं है, MG रोड 3 महीने का बोला था कमिटमेंट था और वो भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, वो बात अलग है कि चिंटू चौकसी जी आप स्वयं नहीं बोलते हैं। फिर मैं कहूंगी कि आप विपक्ष के नेता हैं, बोला करिए, बोलेंगे नहीं सभी अगर गूंगे हो जाएंगे तो फिर कौन सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए आवाज उठाएगा? इमली बाजार से लगाकर मणि माता वाला रोड वो भी पेंडिंग पड़ा है, 3 महीने के भीतर का कमिटमेंट था पुष्यमित्र भार्गव जी का जब पहली बार परिषद में पहुंचे थे। देखिए दीदी, कि हर बात को ताकतवर तरीके से कहना, करवाना और शहर की जनता को बताना हमारी ड्यूटी है। समय समय पर जैसे अभी आपने 36 लोगों की जो इंदौर शहर में हृदय विदारक घटना हुई, इसको लेकर भी हम लोगों ने PC भी ली, हम लोगों ने आंदोलन भी करा, आपको याद गांधी स्टेचू पे आंदोलन भी हुआ कि BJP के सांसद जी, आदरणीय विधायक जी और पार्षद जी को सद्बुद्धि दे ईश्वर,
कि जिन लोगों के दबाव प्रभाव के कारण सीधे सीधे नाम इंडिकेट अच्छा ना नाम इंडिकेट करके मीडिया में आने के इंडिकेट करके देखिए नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए मेरा निवेदन ऐसा है कि कह रही थी कि थोड़ा सा संवेदनशील हो जाते हैं और उस विषय पर कम से कम हम तो आईना दिखाते थोड़े दिन तो लगता कि हाँ एक मजबूत विपक्ष जो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ गलत हो रहा है तो उसको शहर की जनता को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। और उसके बाद में ये भी चीज सामने आई कि हम लोगों ने इसको भी बड़ी ताकतवर तरीके से बताया कि आज अगर नगर निगम और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो मेरे ख्याल से ये 36 की जगह 6 लोगों की मौत भी नहीं होती। जिस तरीके से हमारा सिस्टम है, जिस तरह से हमारी इंदौर शहर है और जिस प्रकार से हमारी व्यवस्थाएं होना थी सुधार को लेकर, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो प्रबंधन आपदा प्रबंधन को लेकर हम जीरो पे हैं। इतना बड़ा शहर, मैं खुद मौजूद था मौके पे, तो मैं देख रहा था कि समझ नहीं आ रहा था किसी को कि यहाँ पे क्रेन लगेगी कि यहाँ जेसीबी लगेगी कि हमको इसके अंदर सीढ़ी डालना है कि हाउ डज कैसे हम काम कैसे करेंगे, इसको लेकर कोई टेक्निकल बंदा था ही नहीं। तो इंदौर शहर का दुर्भाग्य है जिन लोगों ने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन रहे हैं, ताकतवर तरीके से चुन रहे हैं, उसके बाद भी ये शायद लगातार चुनना और आंख बंद करके वोट देने के कारण ही ये अव्यवस्थित विकास इंदौर शहर में हो रहा है। मैं एक बात चिंतल भाई ने बोली, इंदौर शहर की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट दे रही है। अब आंख खुलेगी ना इस बार चिंटू भाई, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आपका जो आपका और आपकी कांग्रेस पार्टी के उसका जो जो एटीट्यूड है, जो जनता को आप बिल्कुल बुरा समझते हैं, ये जनता ने इसे देखिए राय भैया, आप लोगों ने धर्म के नाम पे जात के नाम पे लोगों को लड़ा रखा, लेकिन तो देश में व्यवस्था इतनी खराब हो रही है, महंगाई, अरे अभी नगर निगम से भैया नगर निगम से लोग इतने परेशान है अच्छी कंडीशन में, देख लीजिए आप, पहले कांग्रेस के राज में गड्ढे भरी सड़कें थी, अरे पानी कहाँ है मध्य प्रदेश में, पानी कहाँ है, पानी गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, पानी कहाँ है राय भैया, तो पानी कहाँ है इंदौर शहर, आप तो ऐसी एक पांच कॉलोनी बताओ जिसमें अवैध कॉलोनी वाला विषय तो है अवैध, अरे अरे टॉप ऑफ द सिटी इंडस्ट्री हाउस के बाद बिल्डिंग बन जाती है, कॉलोनी को बसाने का काम तो कांग्रेस के राज में हुआ, अवैध कॉलोनी को अच्छा सारा काम जितना अवैध करा कांग्रेस ने करा, सारा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के इंदौर विकास प्राधिकरण का जब कांग्रेस का बोर्ड था, कृपा शंकर शुक्ला जी उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद सुशा अध्यक्ष थे, इनके इनके राज में ग्रीन बेल्ट जमीन हो या आईटीआई का, आपको ध्यान नहीं है आईटीआई की स्कीम में हो, कृपा शंकर शुक्ला जी के कारण ही एमआरटी मूर्त रूप लिया है, उसमें उन्होंने किसान को मुआवजा दिया, किसान को मुआवजा देकर जमीन को एक बार कर लिया और उसी किसान साथ मिलकर कांग्रेस के नेताओं ने वहां वेद कॉलोनी काट दी, आज उसको वेद कराने के लिए हम लड़ रहे हैं, जो वेद करने की प्रक्रिया शुरू हुई वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने आज की कंडीशन में लोगों को भ्रमित किया। चलिए तो सामंजस्य बनाकर के काम कीजिए और स्थायी निराकरण की ओर अग्रसर हो इंदौर नगर निगम, ऐसा हमारा भी सुझाव है, एक नई सोच के साथ, नए विषय के साथ और नए चेहरों के साथ फिर होंगे हाजिर, मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 93 के साथ।